मैं हूँ मेघना, डेली बज इंडिया में आपका स्वागत है। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में इन दिनों काफी इंटरेस्टिंग किस्से देखने को मिल रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल और सिंगर नेहा भसीन को लेकर पहले ही दिन से चर्चा हो रही है। शो के स्टार्टिंग में ही दोनों ने घर पर धमाकेदार एंट्री करके फैंस को काफी इंप्रेस किया था और प्रतीक ने बाद में नेहा भसीन को अपना कनेक्शन बनाया। अब दोनों एक कनेक्शन के रूप में अपना गेम आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों ही काफी करीब दिखाई दे रहे हैं और दर्शकों को इनकी बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि नेहा भसीन मैरिड है। इस वजह से कई यूजर ने नेहा और प्रतीक पर सवाल खड़े किए हैं। आपको ये भी बता दें कि नेहा भसीन ने बिग बॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट मिलन गाबा के साथ कनेक्शन करके एंट्री ली थी और वहीं प्रतीक सहजपाल ने अक्षरा सिंह के साथ घर में एंट्री ली थी। बिग बॉस ओटीटी में कुछ हफ्ते पहले बॉस मैन और बॉस लेडी बनने के लिए एक टास्क रखा गया था, जिसमें मिलिंद अक्षरा और नेहा प्रतीक आमने सामने थे। इस दौरान नेहा मिलिंद की जोरदार बहस हो गई। बहस में मिलिंद के पास आने पर नेहा ने कहा था कि मैं आपका शरीर महसूस कर सकती हूँ, जिसके जवाब में मिलिंद ने कहा आप यही करती हैं, आप निशांत और राकेश की भी बॉडी फील करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टास्क के दौरान अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल के बीच बहस हो गई थी। शो में सभी को अपना अपना कनेक्शन बदलने का एक चांस दिया गया था, जिसमें नेहा और प्रतीक ने एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बनाया। इस टास्क में अक्षरा ने प्रतीक सहजपाल को उनका कनेक्शन बनने के लिए कन्विंस किया था, पर प्रतीक ने उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। प्रतीक सहजपाल ने अपने और अक्षरा सिंह के रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया। इस घटना के बाद अक्षरा सिंह का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। कुछ टाइम बाद वो अपने रूप में वापस आ गए। हाल ही में नेहा भसीन के पति समीरुद्दीन ने अपनी वाइफ और प्रतीक के रिश्ते पर अपना रिएक्शन दिया है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। समीरुद्दीन ने एक इंटरव्यू पर अपनी वाइफ नेहा और प्रतीक की बढ़ती नजदीकियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि प्रतीक नेहा का कनेक्शन उन्हें पसंद आ रहा है। नेहा के बारे में बात करते हुए समीरुद्दीन ने कहा कि स्कूल के बच्चों की तरह एक दूसरे से होशियारी करना, गले मिलना, लड़ाई करना, छेड़खानी करना, मजाक करना और हर बात पे कॉम्पिटिशन करना, आज भी जब वो अपने स्कूल के दोस्तों से मिलती है तब बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसके बाद समीरुद्दीन ने यह भी बताया कि प्रतीक और नेहा की जोड़ी को देख के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। उन्होंने कहा वो दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नजरिया दे सकते हैं, एक दूसरे को शांत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कहाँ गलत या सही जा रहे हैं और एक मैच्योरिटी के साथ दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा फील होता है कि वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। समीरुद्दीन कहते हैं कि प्रतीक और नेहा का साथ एक दूसरे के लिए अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतीक ने नेहा को इसलिए चुना क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखती है। वो ये जानती है कि गेम लंबे समय तक चलने वाले कनेक्शन के बारे में है। वो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट थी और अपने लिए एक सेंटर तलाश कर रही थी। नेहा ने अपने जीवन में अकेले कई लड़ाइयां लड़ी हैं और वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेहा भसीन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दिल दिया गल्ला, लौंग गवाचा, जग घूमिया जैसे सुपर हिट गानों से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। साल 2017 में सिंगर नेहा भसीन ने समीरुद्दीन के साथ इटली में शादी रचाई थी। नेहा ने इंस्टाग्राम पर भी हस्बैंड समीर के संग अपनी शादी की पहली पिक्चर शेयर की है, जिसमें नेहा ने कनेक्शन में मेंशन किया था, मैं आपको ये बताते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने 23 अक्टूबर को टचकनी में अपने सबसे अच्छे फ्रेंड अपने लव से शादी की। फिलहाल बिग बॉस ओटीटी के घर में नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में दिख रहे हैं। तो आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।